दोस्तों आज की कहानी है छोटी बहू उम्र के साथ सिर्फ शरीर कमजोर हुआ है दिमाग नहीं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अम्मा जरा आज नाश्ता आप ही बना दो ना, भव्या की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वह कह रही है कि अपने नाश्ते में वह कॉर्न फ्लेक्स और दूध ले लेगी। आप बस मेरे लिए टिफिन और अपने और बाबूजी के लिए नाश्ता बना लो, बोलकर अमन फटाफट ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। गोदावरी जी समझ गई ये धनबाद से मुन्ने के मुंडन से आने के बाद से बार बार भव्या की तबीयत क्यों खराब हो रही है और ये सब नाटक आखिर क्यों किए जा रहे हैं। खैर उस दिन उन्होंने किसी तरह अमन के लिए टिफिन में चार आलू के पराठे भर के दे दिए और अपने और पति गोविंद जी के लिए एक साथ ही दाल चावल और रायता बना लिया। बुढ़ापे का शरीर था उनसे इससे ज्यादा काम नहीं किया गया। रसोई का काम निपटा कर भव्या के कमरे में एक गिलास दूध पहुंचाने जा ही रही थी कि कमरे से भव्या की किसी से हंस हंस कर बोलती आवाज सुन कर बाहर ही ठिठक कर रुक गई। अरे तू नहीं जानती मेरी सास को एक नंबर की सालाक है और कंजूस भी। मैंने कितनी बार कहा कि एक खाना बनाने वाली रख लेती हैं, इससे उन्हें तो पूरा आराम मिल जाएगा और मुझे भी रसोई से छुट्टी मिलेगी तो थोड़ा मी टाइम मिल जाया करेगा। आए हाय इन दिनों इतने सारे वेब सीरीज आए हैं कि मन करता है देखती चली जाऊं, पर ये खाना बनाना घर का इतना सारा काम होता है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। गोदावरी जी सांस रोके हुए बाहर ही खड़ी रही, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, अंदर जाए या नहीं। पर तभी उधर से पूछे हुए किसी सवाल के जवाब में भव्या ने कहा, लो कर लो बात, वहां धनबाद में तो जेठानी के यहाँ घर का काम करने वाली है ही, ऊपर से खाना बनाने वाली अलग से लगा रखी है और ऊपर से एक मेड मुन्ने के की देखभाल और मालिश के लिए अलग से लगा रखी है, ठाट है उनके तो। यार इन लोगों को मैं सिर्फ खाना बनाने और घर संभालने वाली बनाकर रख दिया है, इसलिए अब से मैं तो बीमारी का बहाना करके रसोई का सारा काम सासू माँ पर छोड़ रखा है।
कुछ ही दिनों में इस झंझट से बचने के लिए उन्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। दरअसल धनबाद में गोदावरी जी का बड़ा बेटा अनंत और उसकी पत्नी वनिता अपने दो बच्चों निक्की और सिक्कू के साथ साथ रहते थे। बच्चे अभी छोटे थे और विनीता अभी जॉब पर चली जाती, इसलिए फिलहाल उसने उनके लिए एक वृद्ध जरूरतमंद को रख लिया था, जो बड़े ही प्रेम और अपनेपन से बच्चों को संभालती थी। पिछले दिनों क्रिसमस पर सारा परिवार वही इकट्ठा हुआ था, इसलिए वहां उनका रहन सहन और दिनचर्या देखकर आने के बाद से ही भव्या अब यहाँ कोई काम नहीं करना चाहती थी। पहले तो गोदावरी जी ने सोचा अभी भव्या को कुछ न कहे, पर फिर कुछ सोच कर उन्होंने कमरे में प्रवेश किया और उन्हें देखकर भव्या एकदम हड़बड़ा गई तो दूध का गिलास उसे पकड़ाते हुए बोली, देखो बेटा, मैं यहाँ भी खाना बनाने वाली रख सकती हूँ, पर अभी हमें उतनी जरूरत नहीं है, वहाँ सब काम फास्ट है और बच्चे छोटे हैं। इसके अलावा बेटा बहू दोनों नौकरी करते हैं तो मेड उनकी जरूरत है कोई ठाट नहीं, और यहाँ तुम जो अपने अनाड़ी हाथों से कच्चा पक्का बनाती हो उसमें एक प्यार और अपनापन झलकता है, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम पहले घर के कामों में निपुण हो जाओ और फिर चाहो तो खाना खुद बनाओ या मेड रखो, वह तुम देख लेना। सास की बात सुनकर भव्या को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गोदावरी जी से माफी मांगी। अगले दिन से फिर से घर का काम सुचारू रूप से चलने लगा तो पति देव ने उनसे पूछा कि ये कमाल कैसे हुआ भला, तो गोदावरी जी ने हंसते हुए कहा, इस उम्र में सिर्फ शरीर कमजोर होता है, दिमाग नहीं। फिर दोनों हंसने लगे। थोड़ी देर में उनकी हंसी में बेटे बहू की हंसी भी शामिल हो गई।